और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस आएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है, अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। हाथरस हादसे को लेकर मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे, डीजीपी भी मौके पर पहुंचे और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन के मुताबिक 80,000 लोगों की इजाजत दी गई थी, इजाजत से ज्यादा लोग सत्संग में पहुंचे थे और उन सभी लोगों को लेकर उतना पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे क्योंकि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। जब प्रशासन से जब ये जानकारी दी गई कि सत्संग का कार्यक्रम होना है तो प्रशासन की तरफ से 80,000 लोगों की इजाजत दी गई थी, लेकिन 80,000 से ज्यादा लोग पहुंचे और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई क्योंकि जब बाबा की गाड़ी वहां से गुजर रही थी लोग आशीर्वाद लेने के लिए गाड़ी के पीछे भागे और जो जानकारी मिली है अभी तक उसमें यही सामने आया कि उसी दौरान भगदड़ पैदा हुई जिसके बाद में कई लोग नीचे गिर गए और उसी दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। अब जो आंकड़ा है वो 116 पर पहुंच गया है। मुख्य सचिव महोदय ने शासन के जो निर्देश थे उसके बारे में आपको अवगत कराया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। टोटल कैजुअल्टी कितनी है? टोटल कैजुअल्टी कितनी है टोटल? आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के, ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है, इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहां पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिला।
हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आंकड़ा जो है वो 116 जारी किया गया। ये जानना जरूरी है कि आखिर भोले बाबा जिसके सत्संग में लोगों की जान चली गई वो है कौन। नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा एटा जिले बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं और शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो यहीं से हुई। बाद में पढ़ाई पूरी करने के लिए वो इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी करने लगा और फिर कुछ सालों के बाद में नौकरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता, अक्सर सफेद सूट टाई और जूतों में नजर आता है, कई बार कुर्ता पजामा पहने हुए भी दिखाई देता है। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ में सत्संग करता है और उनके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है और कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उनके चरणों की धूल इतनी कीमती है कि बाबा जहां से गुजर जाता है और लोग उस मिट्टी को अपनी झोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा का एक घर आगरा के केदार नगर में है जो बीते 10 सालों से बंद पड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही बाबा है जिसको सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग गाड़ी के पीछे भागे जिस दौरान यह हादसा हुआ। बाबा नारायण साकार हरि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है बाबा को लेकर। यह बड़ा खुलासा हम आपको बताते हैं। बाबा सिर्फ महिलाओं को बुलाता था, यह चश्मदीद का कहना है। पुरुषों और बुजुर्गों को मना करता था, सत्संग में सिर्फ महिलाओं को ही बुलाता था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो मरने वाला जो आंकड़ा सामने आया है मृतकों का उसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं और जो तस्वीरें हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी और मरने वालों में भी महिलाएं ही ज्यादा हैं। तो चश्मदीद ने यह बड़ा खुलासा किया है। खुले मंच से, खुले सिंहासन से कहते थे कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है, आप कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने है? ये सारे ही मेरा ही परिवार था जिम्मेदार। बोले बाबा जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ? नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई, बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। आप क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा के? बिल्कुल नहीं। कौन है? एक आम आदमी आप जैसे हैं। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब तक 116 लोगों की भगदड़ में मौत की पुष्टि हो चुकी है, सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं हादसे की FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। उनके परिवारों को सही जगह पे पहुंचाया जाए क्योंकि 3 जगहों पे कम से कम डेड बॉडीज हमारी पहुंची हैं। जांच के लिए समिति बनाई गई है और जिनकी गलती है उनको दंड दिया जाएगा। ऐसा दंड दिया जाएगा कि वो याद रखेंगे और दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए रोकथाम के उपाय गहराई से किए जाएंगे। सर आंकड़े पर चली कोई लैब्स अभी तक देखने को मिला है, चाहे पुलिस और प्रशासन दोनों स्तर पर? जी, जैसे मैंने कहा लैब्स तो जाँच का विषय। फिलहाल अभी 3 अलग अलग स्थानों पर डेड बॉडीज हमारी हैं और उसको हम लोग संकलित कर रहे हैं। फिलहाल जैसे ही आंकड़ा संकलित होता है मैं आपको उसको दूंगा। मिसिंग की सूचना तो अभी हमारे पास नहीं है, पर इसको हम लोग पूरे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है और जिससे सूचनाएं हमारी संग्रहित हो रही हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कार्रवाई के लिए सर क्या कहना? मुख्यमंत्री जी ने एक जाँच समिति का आदेश तुरंत किया है, इसकी जाँच होगी और जिसने भी गलती की है वो चाहे आयोजक हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या कोई और हो, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी समय है प्रतिक्रिया देने का, जांच के लिए भी आदेश किया गया है और जो दंडित हैं, जो गलत हैं उनको दंडित किया जाएगा। बाबा भी फरार है ये मेरी जानकारी में आया है और FIR इसमें दर्ज की जा रही है थाना सिकंदराव पे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और भारी दंड भी दिया जाएगा। जाहिर तौर पर देखिए AC मरून थे और इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। आपको ये पंडाल दिखाना चाहेंगे यहीं पर
वो कार्यक्रम किया गया था जहां पर 80,000 लोगों की क्षमता की परमिशन थी, लेकिन उससे ज्यादा यानी दोगुने के आसपास लोग पहुंचे। करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग पहुंचे थे। और यहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और इसके अलावा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के असीम अरुण और तमाम मंत्री यहां पहुंचे थे। निरीक्षण किया जा रहा है, यही वो स्पॉट है जहां पे स्टैम्पेड हुआ, जहां पर भगदड़ मची और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आए, आपको तस्वीरें दिखाएं। यहां पे आप देखेंगे अंधेरा हो गया, ये जो सामने आप पंडाल देख पा रहे हैं यहीं पर वो घटना हुई है। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए और बताया जा रहा है कि 24 घंटे में ये जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी बाबा फरार है, असीम अरुण ने कहा है जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो घायल है उनका इलाज जो है वो बेहतर हो, इस पर ध्यान है। और साथ ही जो मृतक है उनके शव उनके घर तक पहुंचाए जाए, इस पर सरकार का ध्यान है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 हाथरस। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, आप भी सत्संग में थी। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था, तभी अचानक भगदड़ मच गई जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई, लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद मैं भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन लगा, ऊपर जाके निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, मेरे बाबा का सत्संग चल रहा था। मैं फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से
मनोज थोड़ा नीचे को लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, तीन बच्चे हैं और एक पुरुष की डेड बॉडी है। वही हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर दो मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संसद में पीएम मोदी ने भी हाथरस की घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, तीन बच्चे हैं और एक पुरुष का सब यहां पहुंचा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूं। यहां तमाम जिले के अधिकारी यहां मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहां पहुंचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। तीन कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हाथरस हादसे में एक बात तो ये सामने आ रही है कि पंडाल की क्षमता से ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची थी और भीड़ को निकालने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे। अब आयोजन की भले ही इजाजत ली गई हो लेकिन पुलिस और बाकी सेवादारों की इतनी कमी क्यों थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था भगदड़ वाले हादसे के वक्त। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। ओए बुलानी, आप भी उस सत्संग में थी? पुलिस का नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। मौत की भगदड़ और फिर हर तरफ लोगों की चीख पुकार। सत्संग और भक्ति का माहौल अचानक मौत के तांडव में बदल गया। हाथरस में बाबा के कार्यक्रम में बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी। इसकी कल्पना शायद पुलिस और प्रशासन को नहीं थी। आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का पुलिस को ठीक ठीक अनुमान नहीं था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महज 72 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि भीड़ का आलम यह था कि दूर दूर से भी बस भर कर श्रद्धालु आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद एक तरफ से बहुत सारे लोग निकलने लगे। लोग किस ओर से जाएंगे ये व्यवस्था नहीं थी।
अगर की भी गई होती तो भीड़ के सामने पुलिस वालों की संख्या काफी कम थी, जो व्यवस्था को लागू कराने के लिए नाकाफी साबित रही होगी। ये सत्संग नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा का था। सोशल मीडिया से पता चलता है कि इनके श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक है। बाबा के बहुत सारे भजन भी अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इससे भी उनके मशहूर होने और भक्तों की संख्या बहुत अधिक होने का पता चलता है। जानते हैं आखिर कौन है नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से फेमस ये बाबा। एटा के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई एटा से की, आईबी की नौकरी छोड़कर प्रवचन देने लगे। अक्सर पत्नी के साथ सत्संग करने जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आने पर नाम बदला, ज्यादातर सफेद सूट और टाई पहनते हैं। आमतौर पर जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो पुलिस के साथ प्रवचन करने वाले बाबाओं के स्वयं सेवक भी व्यवस्था में लग जाते हैं। शुरुआती तौर पर जो वीडियो अलग अलग सोर्सेस से सामने आ रहे हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। साथ ये भुक्त भोगी बता रही है कि जिधर से लोग निकल रहे थे उसकी एक तरफ मोटरसाइकिलें थी और दूसरी ओर खेत। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने खुद देखा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, हमने हाथ से गिनती की है 107। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी फिर भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? इतने बड़े आयोजन में पुलिस और प्रशासन की तरफ से कितने पुख्ता इंतजाम थे? ऐसे हालात से निपटने के लिए बाबा की तरफ से सेवादार और दूसरे लोगों को क्यों नहीं लगाया गया? पूरे हादसे में आखिर चूक कहां हुई? कैसे सत्संग वाली जगह शमशान में बदल गई? जब बाबा प्रवचन खत्म करके वहां से निकल रहे थे तभी भक्तों के द्वारा बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए एक साथ वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके कारण वहां उमस की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और उसके बाद लोग वहां से जो है एकत्रित हो गए और वहां पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद बाबा वहां से निकल गए और लगभग कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी ने मदद का ऐलान भी किया है। हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद की जाएगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद की जाएगी। सीएम योगी भी मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। सीएम योगी खुद पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर बनाए हुए हैं और दो मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है। साथ ही 24 घंटे के अंदर इस हादसे की रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।